से मैंने लिया है दो कार्ड। आसिया में तो आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ वो है चिकन स्पेगेटी की रेसिपी। और ये बहुत स्पेशल रेसिपी है और सबकी फेवरेट रेसिपी है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चिकन स्पेगेटी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है दो गाजरें, दो दर्द गाजरें ली हैं जिनको मैंने ऐसे काट लिया है। ये कटर से भी आप काट सकते हैं। कद्दूकश की है मैंने, कद्दूकश ही मैंने एक अदद मैंने यहाँ पर लिया है कैबेज। और दो मेरे पास छोटे साइज की शिमला मिर्च थी उसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। और इसको मैं एंड पे डालूंगी स्प्रिंग अनियन को, यानी कि सबस प्याज को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, यानी कि बोनलेस मैंने चिकन यहाँ पे लिया है। इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून सिरका लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। इसको हमने एक ही दफा में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैकेट स्पेगेटी का लिया है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं स्पेगेटी बनाने की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था स्पेगेटीज के लिए। जैसे ही बॉईल आए मैं इसके अंदर स्पेगेटीज ऐड कर दूंगी। स्पेगेटीज डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब घी डालूंगी ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। घी डालने के बाद मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और नमक मैं इसके अंदर 2 टीस्पून डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूंगी। तो देखिए व्यूअर, इस स्टेज पे आके मैं अपनी स्पेगेटीज को उतार लूंगी। कभी फुल डन नहीं करनी, अगर आप फुल डन करके उतारेंगे तो आपकी स्पेगेटी बिल्कुल खराब बनेगी। देखिए मेरे भाई, इस स्टेज पे आके आके आपने बिल्कुल तार लेनी है कि बिल्कुल ही आपने पकानी नहीं है। चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने पैन में चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है 3 से 4 जवे। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। इसको मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूंगी, कलर नहीं लेकर आना आपने। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है इसको। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। लहसुन सिर्फ इसीलिए डाला है कि चिकन की कच्चेपन की स्मेल ना आए। तो मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है। अब जो मैंने काली मिर्च डालनी है वो थोड़ी थोड़ी करके मैं डालती जाऊंगी। काली मिर्च, नमक, चाइनीज सॉल्ट, सिरका 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस। और अब मैं इसको इतना फ्राई करूंगी कि चिकन बिल्कुल पक जाए। तो व्यूअर, इस स्टेज पे आके आपने चिकन को उतार लेना है। यहाँ पे चिकन फुली कुक है। जैसे हमने चिकन को फ्राई किया इसी तरह हम बाकी सब्जियों को भी करते जाएंगे। तो व्यूअर, इसके अंदर मैंने उसी ऑयल में मैंने गाजर को डाल दिया है। गाजर को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको देखे। मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया, सोते करके आपने इसको उतार लेना है।
अब मैं इसके अंदर डालूंगी कैबेज, उसी ऑयल में मैं कैबेज ऐड कर दूंगी। सेम वही मेथड है। वन टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसको भी हम हल्का सा सोते करके उतार लेंगे। तो व्यूअर के देखिए मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब मैं इसको भी उतार लूंगी। उसी पैन में मैं अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं घी ऐड कर दूंगी। इसके बाद बस लास्ट में मेरी शिमला मिर्च फ्राई करने वाली रह गई है, इसको फ्राई कर लूंगी। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टी स्पून चाइनीज नमक और 1/4 टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून विनीगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, इसको भी मैं हल्का सा सोते कर लूंगी। देखिए मेरे पास टेस्ट आके मैं इसको भी उतार लूंगी। अब बस मिक्सिंग का काम है, तो चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि जो हमारी स्पैगेटीज हैं वो नीचे चिपके ना। और हाफ में अभी स्पैगेटीज ऐड कर दूंगी, हाफ अपना मिक्सर जो मैंने बनाया उसके बाद। इसके ऊपर भी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा नमक और थोड़ा चाइनीज सॉल्ट। टू टेबलस्पून विनीगर, टू टेबलस्पून सोया सॉस। इसके बाद जो मेरी वेजिटेबल्स थी, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, चिकन, इसको ऐड कर दूंगी मैं। ये मैंने सारी एक ही दफा में ऐड करनी है। और उसके बाद मैं दूसरी लेयर लगा दूंगी स्पेगेटीज की। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको 5 मिनट का दम दे दूंगी। दम उठाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। तो व्यूअर्स 5 मिनट का दम हो गया है, अब मैं इसको दम खोल लूंगी। मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड की थी, अजान हो रही थी इसीलिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग करूंगी। देखें कितना ही जबरदस्त हमारी स्पैगेटी बनके तैयार हुई है। इसको चाउमीन भी कह सकते हैं, स्पैगेटीज भी कह सकते हैं, नूडल्स भी कह सकते हैं। मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स तैयार है मेरी बहुत ही मजेदार चिकन स्पेगेटीज कह लें, चिकन चाउमीन कह लें, चिकन नूडल्स कह लें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।